की खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी में प्रत्याशियों की लिस्ट के लिए मंथन तेज हो गया। आज बीजेपी जारी कर सकती है पहली लिस्ट। मंत्री, सांसद और विधायकों के रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिया जाएगा। वर्तमान अध्यक्ष पार्षद की पत्नी और बहू बेटी को टिकट मिल सकता है। निकाय चुनाव में प्रदेश से लेकर केंद्र तक के नेता इसमें प्रचार प्रसार करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई जनसभाएं करेंगे। मंत्रियों के साथ वरिष्ठ पदाधिकारी भी मैदान में उतरेंगे। आज जारी हो सकती है यूपी बीजेपी की पहली लिस्ट और इसको लेकर ताबड़तोड़ जनसभाएं खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे। मंत्रियों के साथ वरिष्ठ पदाधिकारी भी मैदान में उतरेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती और आज जारी हो सकती है यूपी बीजेपी की पहली लिस्ट। बीजेपी में प्रत्याशियों की सूची के लिए मंथन तेज हो गया है और परिवारवाद का आरोप ना लगे इसको लेकर भी तमाम कवायदे की जा रही है। मंत्री, सांसद, विधायकों के रिश्तेदार को टिकट नहीं मिलेगा। मजहर हुसैन इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मजहर, और क्या अपडेट है आपके पास पहली लिस्ट के बारे में? जी बिल्कुल, जिस तौर पर, साफ तौर पर आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है और भारतीय जनता पार्टी की जो जिले की कोर कमेटी है उसने इस लिस्ट को तैयार कर लिया और आज भाजपा के मुख्यालय पर इस लिस्ट को सौंप दिया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर ये डिसाइड किया जाएगा कि आखिरकार लिस्ट कब तक सार्वजनिक की जाए। आज शाम तक पूरी उम्मीद है कि इस लिस्ट को सार्वजनिक कर दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष व तमाम ऐसे नेता हैं जो इस लिस्ट पर मंथन करेंगे और मंथन करने के बाद शीर्ष नेतृत्व को इस लिस्ट को सौंप दिया जाएगा। आज शाम तक पूरी उम्मीद है कि इस लिस्ट को सार्वजनिक कर दिया जाएगा और निश्चित तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, उनके रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्षद हैं और जो नीचे के हैं उनको साफ तौर पर इसमें टिकट देने का काम किया जाएगा ताकि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर परिवारवाद का आरोप न लगाया जा सके। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता हैं, ये सभी नेता इस बार के चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे और अभी तो भारतीय जनता पार्टी अपना प्लेटफॉर्म भी आजमाएगा और साफ तौर पर चुनाव में पूरी तरह से अपने दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, इन सभी चीजों पर भाजपा मंथन करेगी। जी बिल्कुल, यानी कि आज पहली लिस्ट जारी हो सकती है, इसको लेकर देखिए जो बातें हैं वो आपने स्पष्ट कर दी है मजर, लेकिन मंथन लगातार किया जा रहा है और तमाम चीजें हैं, तमाम समीकरणों पर भी ध्यान दिया जा रहा होगा मजर। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आज एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो नेता मौजूद रहेंगे। किस तरह से इस लिस्ट को जारी किया जा सके और किस तरह से जो प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार प्रसार किया जा सके, उन सभी चीज़ों को लेकर बड़ा मंथन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती और यही वजह है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है और जो उनके प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी पूरी तरह से तैयार है। साफ तौर पर इस चुनाव में ये कह दिया गया है, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने ये चीज को कह दी है कि चाहे वो मंत्री हो या विधायक हो, उनके जो रिश्तेदार हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा और नीचे स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको टिकट दिया जाएगा, जो उनके परिवार के लोग हैं उनको टिकट दिया जाएगा। केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश के जो बड़े तमाम नेता है वो प्रचार प्रसार करेंगे किसी भी तरह से इस चुनाव को। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के